भाई अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का तर्जुमा हुआ है। मरकज दारुल हुदा उर्फी की तरफ से शेख परवेज बदनी, उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 वो लोग छापे। इस कुरान की बरकत मुझे बहुत मिली है और कुरान ही की बरकत है टोटल। कुरान की वजह से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में दाखिला हुआ, कुरान की वजह से इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल बम्बई के अंदर मेरा ये हुआ, और अभी कुरान ही की वजह से। तो अगर आप किसी मस्जिद में हैं, खतीब हैं, कुरान को याद कीजिए। छोटी मस्जिद पकड़ी है, हम लोग क्या करते हैं बड़ी मस्जिद पकड़ते हैं, ज्यादा लोग हैं, छोटी में क्या रहेगा आपको कुरान याद होते चला जाएगा, याद करते रह करते रह करते रह करते रह, बस 1-2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ी जगह मिल जाएगी। दावती जिंदगी में सबर और ज्यादा करें, ये नबियों का मिशन है। एक दूसरे से फायदा उठाएं। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की तकरीरें आती है, आप सुनिए, तहरीरें आती है, सुनिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सुनता हूँ, जिनकी उर्दू और ज्यादा आसान है उनको और सुनता हूँ, क्योंकि उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, जिसके पास दौलत नहीं है वो जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है तो वो जहाज मांगता है। समझा? यानी जहेज के ऊपर अगर आपको तकलीफ करनी हो तो ये जुमला बहुत अच्छा रहेगा। चापलूसी से दूर रहिए, हक बात बोलते रहिए लेकिन प्यारे अंदाज में, ये ज्यादा सही रहेगा। काफिर मुशरिक मुनाफिक किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, उससे सही नहीं होगा। जिम्मेदारों के साथ भी अपने ताल्लुकात बनाए रखिए, मस्जिद के मुतवल्ली साहब के साथ भी, क्योंकि आप उनकी मस्जिद में जाएंगे तो उनकी बुराई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आइंदा नहीं बुलाएंगे आप। मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। फोन कीजिए, कैसे इमाम साहब, मुतवल्ली साहब आप कैसे हैं, ताकि आप जब उनके पास जाएं तो आपको फायदा हो, और इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमें और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप कोशिश करते रहें, हमेशा कोशिश करते रहेंगे तो उसका बड़ा फायदा और आगे हम और आप निकलते चले जाएंगे। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।